हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ कृतिका शर्मा, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें हमने क्या क्या स्टडी किया था कि हमारी लाइफ में केमिकल रिएक्शन होती हैं या नहीं होती, किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उसको लिखते कैसे हैं, इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हर चीज़ है तो वो बैलेंस में है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि ये चीज़ डायरेक्ट गायब होगी, इससे कुछ ना कुछ बना इस साइड, तो तुम उसके बारे में पढ़ा तो बैलेंस की, हाँ यहाँ थे तो यहाँ भी कुछ होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में होगा, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ा, बैलेंस करना सीखा, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैसेस में है, किसी भी स्टेज में ही है, स्टेट में है, तो वो सब कुछ हमने पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि रिएक्शंस तो होती हैं हमारे चारों ओर, तो कितने टाइप्स की होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नाम से समझा रहा है कितने प्रकार की है क्या केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम। फर्स्ट आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन को आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से समझा रहा है कंबाइन किया है, ठीक है, क्या केमिकल्स, कौन कौन से, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको स्टडी करेंगे। जैसे कि फर्स्ट आपका एग्जाम्पल आता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको आपने रिएक्ट किया वाटर के साथ, ठीक है, वाटर के साथ इसका रिएक्शन किया। दो चीजें थी, प्लस का साइन, मतलब कंबाइन किया, तो इससे क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं हम स्लेक लाइन, ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, क्या है, हमने पहले क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड डाला, फिर हमने क्या डाला, वाटर डाला, फिर उससे क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं हम स्लेक लाइन, ठीक है। ये तो आपका स्लेक लाइन बन गया। फिर जब आप ऑब्जर्व करोगे कि क्या होता है उसमें, क्या जब आपने दोनों चीजें मिक्स की कुछ चेंज आया, क्या वो वार्म अप हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अगर वो वार्म अप हुए, ठीक है, वार्म हुआ तो वो कैसे हुए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, एक्सो मतलब एक्सपेल करते हैं, क्या हीट को, तो उनको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब कंबाइन तो कर गया, इसके रिलेटेड हम कुछ और एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे कि कार्बन है, कार्बन का रिएक्शन हुआ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कंबाइन, दो चीजें कंबाइन की तो नया प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो ये था रिएक्टेंट, ये बना आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम वाटर का एग्जांपल। वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वाटर बनता है, इसको कैसे लिखते हैं, 2H2+O2, ठीक है, तो क्या बना हमारा, H2O, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर, ठीक है, ये सिंबल है हमारा वाटर का, ये आ गया कंबाइन, क्योंकि ये जुड़े ना, इससे ये बन गया, ठीक है। तो जैसे कि आपका स्लेक लाइन बना था, क्या फॉर्मूला है इसका, CaOH2, क्या बनेगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में बनेगा आपका वाटर, ठीक है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये मार्बल्स यूज करते हो ना घर में, अपने देखा होगा फ्लोरिंग बहुत सुंदर होती है, तो ये फॉर्मूला है उसका मार्बल्स का। अगर पूछा जाए कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ यूज होता है, या किसी भी घुमा फिरा के आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो आ गया आपका कि ये यूज होता है मार्बल्स बनाने के लिए। मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आप बोल सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये तो थे कुछ रिएक्शंस। फिर आते हैं आपका, जैसे कि अब रिएक्शंस हो रही हैं तो वो हीट भी प्रोड्यूस करें, अभी हमने स्टडी किया जो हीट प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से रिएक्शन आए, वो आए आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम उसके कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो एक्सपेरिमेंट ही है, बिना एक्सपेरिमेंट के कोई भी चीज़ नहीं होती, तो केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट क्या है इससे रिलेटेड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन से हैं, तो कुछ एग्जांपल करें, क्या हमारे जनरल लाइफ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं या नहीं होते। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते कैसे हैं, ठीक है, तो कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे कि मीथेन है, अब क्या करेगा ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2, तो क्या बनेगा, CO2
plus H2O, ठीक है, ठीक है, ये बन गया। इसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। जो हीट प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, तो रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, कैसे हुआ, ठीक है। अब आप सोचो, आप पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे, शाम को क्या हो रहा है, मामा मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, मेरे एनर्जी नहीं बची है। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, खाने से आएगी। तो आप कुछ खाते हो, ठीक है, फ्रूट खाते हो, राइस खाते हो, चपाती खाते हो, और भी चीज़ें खाते हो, जो भी खाते हो, ठीक है। उससे क्या होता है, बनता है कार्बोहाइड्रेट से, वो क्या बनता है, उसके बाद ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। फिर ठीक है, अब ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और सांस लेते हो ना, आप सांस ली, क्या लेते हो आप, ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा आपका, 6 molecule of CO2 plus 2 molecule of water, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हुआ, अब एनर्जी मिलती है ना, जब आप कुछ खाते हो फिर ब्रेक डाउन होते हो, खाना खाते हो उससे एनर्जी मिलती है। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा, रेस्पिरेशन। आपसे 1 marks क्वेश्चन पूछते हैं, रेस्पिरेशन कैसा रिएक्शन है, तो आप रेस्पिरेशन बोल सकते हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये तो कम्बिनेशन रिएक्शन, समझ आया ना, कम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होते हैं, कंबाइन करी क्या, दो चीज़ें, कुछ भी बनाता है। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम कम्बिनेशन रिएक्शन की होती हैं, जो बनती हैं वो एक दो चीज़ें मिलके एक प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट ए कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या आता है, अब कोई चीज़ बनती है तो वो टूटती भी तो है, टूटती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और कम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि वो चीज़ टूटगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, क्या हो रहा है, ये क्या ले रही है, फेरस सल्फेट लिया, उसको हीट किया, तो देखिए किस में डिकम्पोज होगा, ठीक है, फेरस सल्फेट FeSO4 2 मॉलिक्यूल, ये ब्रेक हुआ, हीट, हीट का सिंबल ये है, ठीक है। तो इस किस में कन्वर्ट होगा, Fe2O3+ SO3+SO2, ठीक है। इसको बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ये बना, ठीक है, फेरिक सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड बन गया। इसमें क्या हुआ, हमने हीट दिया, आपने पिक्चर में देखा अभी कि इसमें क्या किया है, कि उसने हीट किया टेस्ट ट्यूब में लेके, तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें, फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये कैसे है, गैसीय स्टेट, ठीक है, ये गैसीय स्टेट है, ठीक है। ये तो आ गया एक एग्जाम्पल, हम नेक्स्ट करते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये ब्रेक हुआ, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैसे, हीट, हीट चाहिए इसके लिए, ऐसे ही नहीं रिएक्शन होगा ये, ठीक है। तो CA, इसको क्या बोलेंगे हम, क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम, ठीक है। और ये है जो आपका, ये किस में यूज होता है, सीमेंट में, सीमेंट का मेन प्रोडक्ट पूछा जाए कौन सा यूज़ किया जाता है, तो आप बोलोगे कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम क्लाइम भी, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है किसके साथ, हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब लेड नाइट्रेट लेते हो आप, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, हीट हो चाहिए इसके लिए, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, आपको हीट थी, तो फिर इस किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा आपका टू लेड ऑक्साइड प्लस, और किस में कन्वर्ट होगा, ये होगा आपका 4 molecule of NO2+O2, ठीक है। ये लेड नाइट्रेट कन्वर्ट हो गया लेड ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, हीट। जिस रिएक्शंस को करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम एंडोथर्मिक, एनर्जी चाहिए उसे, ठीक है। एक्सो मतलब एक्सपेल किया, एंडो मतलब हीट चाहिए, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हो, जैसे कि एक्टिविटी है आपकी, इस पिक्चर में देख रहे हो, इसमें क्या किया गया है, एक बीकर लिया,
बीकर में क्या लिए, दो इलेक्ट्रॉन लिए, किसके, कार्बन के। इसमें क्या किया उन्होंने, जैसे बीकर था, बीकर में इन्होंने पानी डाला और क्या किया, ऐड क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो उसके और जो इलेक्ट्रोड लिए थे उसमें इन्होंने टेस्ट ट्यूब यूज़ की, टेस्ट ट्यूब में इन्होंने वाटर डाला, ठीक है। फिर और 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, ठीक है। हीट किया, हीट के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की उसमें, फिर क्या हुआ, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि एक तरफ क्या बना, हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है, तो और दूसरी साइड ऑक्सीजन गैस बनी। तो ये ठीक है, ये तो आ गया एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या बोलती है, नेक्स्ट एक्टिविटी में आता है आपका, जैसे कि आपने लिया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उनमें हीट लगती है, ठीक है। आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो, पिक्चर में क्या है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। अब ये किस कलर का है, वाइट कलर का। देखो विंडो के पास रखा है और क्या किया, हीट दी, फिर किस में कन्वर्ट, मतलब जैसे सनलाइट, दिन को धूप होती है ना, तो लाइट पड़ी तो क्या हुआ, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, 2Ag+Cl2, ठीक है, दो में डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हुआ किस में, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर एंड क्लोरीन में, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, ब्रेक हुआ ना, तो ये डिकम्पोजिशन। अब ये ऐसे तो नहीं रिएक्शन, सन की लाइट पड़ी ना, तो सनलाइट आई ना इसमें, तो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मी, ठीक है, क्योंकि इसमें हीट की जरूरत होती है। जिन रिएक्शन में हीट की जरूरत होती है वो कैसे रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और जिसमें हीट जो प्रोड्यूस करते हैं वो आता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, ये कन्वर्ट हुआ सिल्वर में प्लस ब्रोमाइड, ठीक है। अब ये यूज होता है आपका रिएक्शन फोटोग्राफी में, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए फोटोग्राफी में कौन सा यूज होता है, तो आप बोल सकते हो कंपाउंड सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना इसमें हीट चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये फोटोग्राफी में यूज होता है सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में। और इनके लिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इनमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, तो ये कैसे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये तो था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या करते हो आप, चलो स्टडी करते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही समझा रहा है, डिसप्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है। तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल है, एक्टिविटी, एक्टिविटी में देखो पिक्चर में शो किया, ली क्या ली, आयरन ली, उसको किस में डिप किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। फिर क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक आयरन एल को 20 मिनट रखते हैं, दूसरी को क्या करते हैं हम 20 मिनट और रखेंगे, 20 मिनट निकालेंगे, उसको कंटिन्यू रखेंगे काफ़ी देर तक, एक कप रखोगे नहीं, फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि क्या क्या चेंजेस हुए। जो आयरन नेल्स हाई में रखी थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फिर क्या किया, सेकंड में क्या किया, जो आयरन नेल थी उसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ। थर्ड में क्या हुआ, वो कलर चेंज हो गया, ठीक है। वो कैसे हुआ, जैसे कि आयरन है आपका प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये डिस्प्लेस हुआ। आयरन क्या, कॉपर सल्फेट जैसा था ब्लू कलर का, तो ये कलरिंग चेंज होगी, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुई, एक दूसरे के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो क्या बना, बना आपका आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी इसके साथ, और ये बाहर निकल गया, तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक चीज से दूसरी चीज डिस्प्लेस होगी। और एग्जांपल, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये क्या हो गया, चेंज हो जाएगा किसमें, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट हुई ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, ठीक है, फिर क्या होगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, एक से दूसरी चीज डिस्प्लेस हो जाएगी। ये तो आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
नेक्स्ट आता है आपका, क्या आता है? एक तो रिएक्शन होगी, अब डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या समझ? ठीक है, डबल क्या मतलब? दो चीजें, दो चीजें क्या होंगी? डिस्प्लेस होगी। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, क्योंकि साइंस है ही एक्सपेरिमेंटल। तो एग्जाम्पल क्या आता है इसका? स्टार्टेड, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, एक टेस्ट ट्यूब मिनरल लिया सोडियम, क्या लिया? सल्फेट। दूसरी बीकर में क्या लिया इन्होंने? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसके साथ डिस्प्लेस हो जाएगा और ये इसके साथ, तो क्या बना आपका प्रोडक्ट? बेरियम सल्फेट प्लस टू मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी, एक से दूसरा चेंज हो गया, तो ये आ गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन जो है हमारी डेली लाइफ में होते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होगी, पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। जिससे कि कॉपर है, ठीक है, ओके, इसमें क्या हो गया? गेन हुई क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या हुई? ऑक्सीजन की एडिशन हुई, तो ये बन गया आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे शो हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओ से याद रखना, जैसे कि ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की एडिशन। ठीक है, तो ये आ गया आपका ऑक्सीडेशन। फिर रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन हुआ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की रिड्यूस करना, जैसे कि आपका है, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है प्लस। ठीक है, ठीक है, फिर क्या बना? ये कॉपर निकल गया एंड वाटर बन गया, तो इसमें क्या हुई? ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ, तो यहाँ हुई रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। ठीक है, और देखो H2 में क्या हुआ? गेन हुई क्या? ऑक्सीजन, तो ये बन गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के रिएक्शन बहुत होते हैं, ये साथ में चलते हैं। ठीक है, जब साथ में चलता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो उसको नाम दिया गया है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर पूछा जाए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीजन की एडिशन एंड रिडक्शन की हुई ऑक्सीजन की। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है प्लस क्या आता है आपका? कॉपर, तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक। ठीक है, इसमें क्या हुई? एक में ऑक्सीजन गेन हुई, एक में ऑक्सीजन रिड्यूस हुई, तो MnO2 प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ HCl क्या बना आपका? देखो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस क्लोरीन। ठीक है, इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन को गेन करना और रिडक्शन हुई ऑक्सीजन को रिड्यूस करना। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या आई आपके? रिएक्शन में क्या होगा? गेन ऑक्सीजन। ठीक है, एंड रिड्यूस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, और रिडक्शन आई आपकी क्या आई? गेन हाइड्रोजन, और क्या आया? रिड्यूस ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या हुई? गेन ऑक्सीजन, रिड्यूस हाइड्रोजन, रिडक्शन हुई गेन हाइड्रोजन एंड रिड्यूस ऑक्सीजन, अपोजिट है। ठीक है, बहुत इजी है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, एग्जांपल भी पूछ सकते हैं, कैसे भी आपको ये क्वेश्चन आता है। क्या अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये हमारे लाइफ में होता है डेली रेडॉक्स रिएक्शंस या और केमिकल रिएक्शन, क्या हमारे लाइफ में होती है डेली? होती है। कैसे? कुछ एग्जांपल के थ्रू करते हैं। एक प्रोसेस आता है आपका कोरोजन। ठीक है, इसमें क्या होता है? आयरन है, आयरन को आप बाहर रख दो। ठीक है, काफी देर। ठीक है, तो क्या होगा?
उसमें ना ब्राउनिश ही परत लगने लग जाती है, ठीक है, वो खराब होने लग जाता है। तो वो क्यों होता है, क्या होता है उसमें? तो वो होता है रस्टिंग ऑफ ए आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। उसमें क्या होता है, परत लग जाती है ब्राउनिश से, क्योंकि आयरन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो उसमें रस्टिंग ऑफ ए आयरन हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उसको कवर करने के लिए क्या करते हैं, उसको कवर करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें पॉलिश किया जाता है ताकि वो ज़्यादा टाइम तक, देखो आप अपने घर के बाहर देख लो, आयरन की वो ग्रिल लगी होती है ना, उसमें क्या करते हो आप, पेंट करते हो। क्यों करते हो? ताकि वो ज़्यादा टाइम तक रह जाए। अगर आप उसको वैसे रख दोगे तो वो ख़राब हो जाएगा, उसकी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका कोरोजन, जो प्रोसेस को बोलते हैं उसको कोरोजन, ठीक है। और चीज़ पढ़ते हैं हम, रेंसिडिटी, इसमें क्या होता है, आप खाना बनाते हो, माना सुबह को बनाया, अब फ्रिज में नहीं रखो, माना बाहर रख दिया, तो क्या होता है, स्मेल से आने लग जाती है, वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस मतलब उसमें क्या होता है, वो चीज़ ख़राब हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम रेंसिसिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी कुछ मतलब जैसे कि आप काफ़ी दिन तक कुछ चीज़ों को तो आप काफ़ी दिन तक स्टोर करते हो, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती है, बासी बोलते हैं ना, तो वो आ गया आपका रेंसिसिटी, उससे स्मेल आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन और रिएक्शन भी होते हैं, कि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो कोई चीज़ खाना बनाए कुछ खराब हो जाए तो उसको रेंसिडिटी, ठीक है। जैसे कि आप चिप्स पैकेट रखते हो इतने टाइम तक दुकान में रहते हो, क्यों? क्योंकि उनमें इनर्ट गैस होती है, कौन सी, नाइट्रोजन, इसमें चिप्स पैकेट में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, क्यों होती है, ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें आपने घर में देखा होगा काफ़ी टाइम तक स्टोर होती हैं, रखते हो, क्यों करते हो, ताकि मतलब आप काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हो। कैसे स्टोर करते हो आप, ज़्यादा टाइम तक रह जाए, आप उसमें क्या जाते हो, प्रिजर्वेटिव डालते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। या आप बहुत टाइट कर दोगे, आप बोलोगे नमकीन रखते हो घर पे, क्या बोलते हैं मम्मा, पूरा बंद करो वरना मॉइस्चर गेन कर लेगा, ख़राब हो जाएगा, तो वो उसको अच्छे से पैक करना किसी में, तो वो भी उसको प्रोटेक्ट करता है कि ऑक्सीडेशन ना हो उसकी, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं, इसके बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो आप चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हो, ठीक है। अब ये तो था आपका फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का, जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूंगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।